मैं मुसाफिर हूँ, आपसे हुई हर एक मुलाकात का शुक्रिया, आपकी कही हुई हर एक बात का शुक्रिया, आप जो दे रहे हैं मुझे उस साथ का शुक्रिया। ये सुअर साहब हैं, ये काफी पुराना है, राजा था, जो उनका राजा था वो पानी से ही पानी से ही दीवा जला दिया था, उनको राजा ने तेल नहीं दिया था। अच्छा अच्छा, सब मिल जाएगा यहाँ पर, जब भी आते हो खाओ जरूर, मस्त एकदम। ये भाई साहब खिलाएंगे आपको मस्त भेलपुरी, मशहूर भेलपुरी है जी। आप लोग घूमने के लिए आए, मेरा चैनल है प्रीतम मुसाफिर नाम से, सब्सक्राइब कर लेना सब भाई लोग, नया चैनल है। ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज 26 जनवरी का दिन है और देखिए कैसे चारों तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडी है यहाँ पर, मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है। मुसाफिर को तो निकलना ही है, मुसाफिर निकल चुका है अपने सफ़र की ओर, ना कोई मंजिल ना कोई ठिकाना, राही का काम है बस चलते जाना। तो देखिए आज चलते चलते कहाँ पहुँचता हूँ, आपको दिखाता रहूँगा आगे जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा। अब कहीं अच्छी कुछ चीज़ और दिखेगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, जो भी मुझे अच्छा लगे और मुझे लगे कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। आज जाऊँगा कहाँ अभी ये डिसाइडेड नहीं है, जैसे कंफर्म हो जाएगा कि किस तरफ निकलना है, कदम जिस तरफ मुड़ जाएंगे उस तरफ दिखाता रहूँगा और चलता रहूँगा। ठीक है, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा होगा ब्लॉग उम्मीद है मुझे। तो चलते जाते हैं, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं और कहां जाना होता है। तो बाय मेट्रो ये सफ़र चल रहा है, देखते हैं जहां तक है, मुझे लगता है कि मुझे कुतुब मीनार उतरना होगा, तो निकलता हूं मैं, मेट्रो से जा रहा हूं, कुतुब मीनार स्टेशन पे मैं उतर जाऊंगा। वहां से एक जगह है जमाली कमाली, वहां पर मैं जाऊंगा, तो आगे मैं बताऊंगा कि कहां पर ये जगह है, कैसे जाना है, वो भी आप देखते रहिए व्लॉग में। आप आएंगे कभी तो आपको सुविधा होगी, जिससे रास्ता पता होगा। कुतुब मीनार से अगर मेट्रो से जा रहे हैं तो कुतुब मीनार से नज़दीक में ही है, कुतुब मीनार स्टेशन से थोड़ा सा वॉक इन है। अगर आप किसी अन्य माध्यम से जा रहे हैं तो फिर आराम से पहुंच सकते हैं, मैं बताऊंगा। कुतुब मीनार स्टेशन पे मैं पहुंच चुका हूं, देखिए अभी मैं आगे बढ़ता हूं, तो आगे मेट्रो को निकल जाने देता हूं, थोड़ा सा दिखाता हूं। ये निकली मेट्रो, ये निकली 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 निकली, निकल जा, ये अभी है, निकल गई मेट्रो। अब आगे बढ़ते हैं, तो अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, तो इधर से एक ये हाईवे है, ये मुझे क्रॉस करना है, तो मैं इधर से नहीं जाऊँगा, मैं इस तरफ से जाऊँगा, इस तरफ से सीधे ऊपर को जाऊँगा मैं। तो अभी ये हाईवे क्रॉस कर रहा हूँ मैं, हाईवे क्रॉस करके जल्दी ही मैं पहुँच जाऊँगा अपने डेस्टिनेशन पे। देखिए डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाला हूँ और आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप बने रहिए व्लॉग पे, क्योंकि आज मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जो एक नंबर जगह है, बहुत मस्त बहुत ब्यूटीफुल जगह है दिल्ली में। तो अब यहाँ से पैदल 1 किलोमीटर मुझे चलना है और चलते रहिए आप भी, थोड़ा सा है, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं आपको जल्दी ले चलता हूँ आगे। उसके बाद आगे क्या क्या है मैं वो एक्सप्लेन करता जाऊँगा, जल्दी ही पहुंचने वाला हूं डेस्टिनेशन पे। बस ये सामने जो रेड लाइट दिख रही है, इसी रेड लाइट पे मुझे पहुंचना है, यहां पर पहुंच के मैं आगे बताता हूं कि इधर से रास्ता है। ये जो हाईवे है, ये हाईवे छोड़ देना है इधर से, एक ये जो अब रास्ता दिख रहा है आपको, ये रास्ते पे आ जाना है, ये लेफ्ट हैंड की तरफ, यहाँ पर फूलों की काफ़ी सारी दुकानें हैं और अब यहाँ पर गेट है, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखिए कैसे बिंदास सजी हुई है सारी दुकानें, देख सकते हैं आप। अब जाएंगे गेट की तरफ, गेट किधर से है मैं आपको दिखाता हूँ, ये दुकानें देख लीजिए, गेट दिखाता हूँ मैं आपको,
हेलो हेलो, कैसे हो? कैसे हो आप? कैसे हो आप? अच्छे हो? तो मित्रों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन पे, जमाली कमाली। आज देखेंगे आप जमाली कमाली, मजा आएगा बहुत आपको। सामने आप देखिए, ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम निकल के जाएंगे। तो ये यहाँ पर लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, और इधर कुछ शायद प्लेग्राउंड है, तो खेल रहे हैं लोग, क्रिकेट खेल रहे हैं। और ये देखेंगे आप शानदार फूलों की बगिया, दिल खुश हो जाएगा जिसे देखते ही। सब तरफ गुलाब के फूल दिखेंगे आपको। देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाता हूँ, देखिए गुलाब के फूल कैसे खिले हुए हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी शानदार जगह है ये, और चारों तरफ नेचर ही नेचर, चिड़ियों की, पक्षियों की आवाज़ चारों तरफ आपको सुनाई देने को मिलेगी। और ये जो जगह है जमाली कमाली, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। जमाली मुग़ल साम्राज्य और लोधी साम्राज्य के मशहूर दरबारी कवि थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के पश्चात उनको यहीं पर दफना दिया गया, इसी स्थान पर। तो कमाली की भी कब्र बाद में वहीं पर बना दी गई, तो इस दरगाह को जमाली कमाली दरगाह के नाम से तब से जाना जाता है। और इसके बारे में काफ़ी बातें हैं कि वो लोग अभी भी इबादत किया करते हैं, इबादत की आवाज़ आती है यहाँ पर कब्रों से रात के समय में। यह स्थान मेहरौली शहर में स्थित है, और उनके सकारात्मकता की वजह से आज भी इस स्थान पर सकारात्मकता को आप महसूस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वाइब्स आपको मिलेंगी यहाँ पर, आप शांति से बैठेंगे तो बहुत कुछ महसूस कर सकते हैं। हाईवे और मेट्रो से नज़दीक होने की वजह से आराम से आया जा सकता है। बहुत ही प्यारे लोग थे जमाली और कमाली। यहाँ से कुतुब मीनार आप देख सकते हैं, सामने है ये कुतुब मीनार। के नज़दीक ही आपको जमाली कमाली है। यहाँ पर अगर आपको जाना है तो आप कुतुब मीनार में उतरेंगे तो आपको थोड़ा सा वॉक इन आना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये फूल आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे फूल खिले हुए, अभी थोड़े से कम हैं, लेकिन कभी कभी यहाँ पूरे खिल जाते हैं। इसमें पूरी ये जो बगिया है, इसमें फूल ही फूल खिल जाते हैं। तो ये कुतुब मीनार सामने आपको दिखाई दे रही है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ अंदर क्या क्या है वो सब चीज़ें दिखाऊँगा मैं आपको। तो चलते हैं आगे की तरफ, और आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है, और वीडियोस तो मैं बनाता रहूँगा जहाँ भी जाऊँगा, जिस दिन मुझे मौका मिलता है, जॉब के अलावा जो भी मुझे टाइम मिलता है घूमने जाता हूँ मैं, तो जहाँ भी घूमने जाऊँगा वहाँ का वीडियो आपके लिए तैयार करके ज़रूर लाऊँगा, एक बेहतरीन वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट करें, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये जॉब करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं चाहता तो ब्लॉगिंग करना हूँ, घूमना चाहता हूँ, मुसाफिर हूँ, लेकिन क्या करूं, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है, काम भी करना पड़ेगा मुझे अपनी रोजी रोटी के लिए। तो ये मेरा शौक है, फ़िलहाल मैं कर रहा हूं। अगर सब्सक्राइबर हो जाएं अच्छे खासे, चैनल अच्छा ग्रोथ कर जाए, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। पहले इस तरफ चलते हैं, देखते हैं इस तरफ क्या क्या है। यहाँ पर लोग रहते हैं जो यहाँ पर काम वाम करते हैं, ये सब जिन्हें बनाया हुआ है, सजाया हुआ है, वो लोग यहीं पर रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर काफ़ी शांत माहौल है। अगर आप किसी दिन भी, आपकी छुट्टी रहती है जो नज़दीक के लोग हैं, अगर आपका दिल करता हो कहीं शांत जगह में सुकून से बैठने के लिए, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, मुझे काफ़ी पसंद है। मैं कितनी बहुत सारी बार आ चुका हूँ, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं वीडियो बना पाया, एक व्लॉग तैयार कर पाया। अभी मैंने व्लॉगिंग करना चालू कर दिया है, तो मैं कंटिन्यू कहीं ना कहीं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के व्लॉग्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो आज यहाँ का हो गया है, क्योंकि मेरा बहुत दिल था यहाँ आने का और यहाँ पर आके व्लॉग बनाने का। तो इधर ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं कुछ, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा।
तो चलते हैं आगे। देखिए ये भी जनाब यहाँ पर घूम रहे हैं आज़ादी के साथ। वाओ, मजे ले रहे हो। हेलो, ये सुअर साहब हैं, देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, गिल्लू रानी भी दिख रही है। हेलो, तो अभी ये भी कुछ है, कुछ बना हुआ है यहाँ पर। देखते हैं क्या है, किस तरह से ये बना हुआ है। ये इसका डिजाइन है, ये काफी पुराना है, ये जमाली कमाली के दौर का ही है। कुछ रहा होगा ये भी, देखते हैं एंटर करके क्या क्या है यहाँ। यहाँ पर तो पानी भरा हुआ है, पूरा तालाब बना हुआ है। चलिए इस तरफ रुक करते हैं, यहाँ पर दीवारें भी भरी पड़ी हैं, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। कलाकार लोग दुनिया में बहुत हैं तो लिखते रहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ये सीढ़ियाँ, काफ़ी खड़ी सीढ़ियाँ हैं, देखिए इन खड़ी सीढ़ियों पे चढ़ना होगा। आप इन पे चढ़ने के लिए हम ऊपर की तरफ रुख करेंगे। इससे पहले कि मैं ऊपर जाऊँ, मैं एक व्यक्ति हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। अगर उनने थोड़ी बातचीत की और कुछ बताया तो अच्छी बात है, वो पुशअप मार रहे हैं। तो उनके पास जाते हैं, अभी जो गाते गुनगुनाते जा रहे थे। तो इनके पास जा रहे हैं, देखिए क्या क्या बातचीत करते हैं इनसे। हम कुछ बातचीत करते हैं, क्या क्या ये बताते हैं यहाँ के बारे में, इनसे पूछते हैं। अंकल, अच्छा तो आप यहीं पर ही रहते भी यहीं हैं? नहीं नहीं, अच्छा, रहते नहीं है, मरोली में रहते हैं। अच्छा, मरोली में रहते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएंगे? मैं ब्लॉगर हूँ, मैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ बोलो। तो यहाँ के बारे में कुछ बताइए, जमाली कमाली के बारे में कुछ, आपको जितनी जानकारी। ये दो भाई थे। अच्छा अच्छा, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, पूरा घूमने, ये पहले ये तालाब थे सारे। जी जी जी, तो हमारे को भी 30-40 साल हो गए यहाँ पे आते आते। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा है यहाँ। मुझे भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि काफी शांत माहौल है और बहुत मजा आता है। और जमाली कमाली के बारे में मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छे कवि थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ दो मजार हैं। हाँ जी, मजार हैं, दो मजार हैं वहाँ पे बाबे की। अच्छा अच्छा, भाइयों की। हाँ जी हाँ जी, साथ ही साथ मजार हैं। और बहुत प्रेमी लोग थे वो, बहुत अच्छे प्रेमी लोग थे। राजा था, जो उनसे राजा था, वो पानी से ही, हाँ हाँ, पानी से ही दीवा जला दिया था उनको, राजा ने तेल नहीं दिया। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। मतलब किस आपको बता सकते हैं कि ये कब की बात होगी? लोधी सम्राट ये की होगी तो बहुत टाइम की, अब तो जैसे हमने सुना है। अच्छा अच्छा, ऐसे ऐसे हमने आपको बता दिया। चलिए चलिए, और यहाँ पर काफी चीजें जैसे हैं कि रात को अजान की आवाज आना, वो सब सूखी बावली। अच्छा अच्छा, राजे की बावली कहते हैं। अच्छा अच्छा, तो राजे जब थे ना, हाँ जी हाँ जी, तो उस टाइम पानी इकट्ठा कर दिया करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ पे है। हाँ 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 हाँ, सूखी बावली तो पता है। आगे फिर उसको राजे की बावली बोलते, आगे फिर गंधक वाली बावली है। हाँ, गंधक वाली बावली भी है। हाँ, जी जी, वाली बावली है, तो उसको अंदर खुजली, जिसको खाज खुजली होया करती थी पहले, हाँ हाँ, उसमें नहा लिया करते थे, बिल्कुल ठीक हो जाया करते। अच्छा हाँ जी, ये भी कहानी है। मतलब हाँ, अभी भी मतलब वो है, पानी है, पानी है, मतलब रंग नहीं बदलता, पहले 7 रंग बदलाया करता। अच्छा अच्छा, पहले हमारी भी 65 साल की उम्र होगी। हाँ हाँ हाँ, तो हम मरोली में रहते हैं जी, वहीं छोटे बच्चे वहीं खेले हम। अच्छा अच्छा, बाबा की मंजार है मरोली के अंदर, बहुत ऊंचे बंदे, योग माया मंदिर है। हाँ हाँ, मणि बाबा है। अच्छा,
जैन मंदिर बाबा लटूरिया है मरोली में, मरोली बहुत पहुंचे बंदे हैं वहाँ, तो सुख शांति है, सुख शांति है। मजा आ गया अंकल जी आपसे बात करके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया धन्यवाद। हमारे को भी 30-40 साल हो गए यहाँ पे आते आते दाना डालते हैं, अच्छा अपना यहाँ से चले जाते हैं। चलिए सही है सही। अच्छा ये दाना जो डाल रहे थे आप अभी, चलिए बहुत अच्छा काम करते हैं, सब करता सकता वही है ऊपर वाला, बिल्कुल बिल्कुल। हम क्या है, हम तो लोग करें, बिल्कुल लॉकडाउन होया कुछ भी होया हम उधर से आते घूम के, बिल्कुल सारा रास्ता बंद था, जी जी जी, इधर से आए घूम के 1 किलोमीटर से, अच्छा अच्छा, दाना डाल के फिर चले गए, दाना डाल के ही सुकून मिलता है, सही है। मतलब हम पानी तक नहीं पीते, बिल्कुल जब तक पक्षी दाना कुछ खा ली नहीं लेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अंकल जी, हम जाएंगे जी जी अपना सीधा नाश्ता करेंगे चाय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत टाइम दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो अभी मैंने इनसे अंकल से बात की, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुश मिजाज हैं, बिल्कुल देखिए कैसे एनर्जी से भरे हुए हैं इस उम्र में भी, रोज़ सुबह दाना डालते हैं पक्षियों को, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर आके बहुत सारे पक्षी हैं यहाँ पर आके ये डेली बोल रहे हैं कि जब तक मैं दाना डालता नहीं हूँ तब तक मैं नाश्ता चाय पानी कुछ नहीं करता हूँ। देखिए ये डाल के गए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये प्यारी सी चिड़िया खाने के लिए आई है, आ जा आ जा, ओह मेरी वजह से ये उड़ रही है तो मुझे निकलना पड़ेगा, उसे खाना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बहुत ही अच्छा माहौल है इधर, आप आएंगे तो बिल्कुल सुकून मिलेगा, शांति से जिस दिन भी आप बैठना चाहते हैं अकेले में अपने साथ, तो बहुत ही अच्छी जगह है ये, आप आइए यहाँ पर और बैठिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि बहुत प्यारी जगह है, बहुत शांति है, आप महसूस कर सकते हैं चारों तरफ चिड़ियों की आवाज़ आएंगी। तो अच्छा किया मैंने अंकल से बात करके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उनसे बात करके उनकी एक पॉजिटिव एनर्जी ने मुझे उनकी तरफ खींचा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी क्या होता है ना, पॉजिटिव एनर्जी जब किसी में होती है तो वो अपनी ओर खींचती है, वो भी काफ़ी पॉजिटिव से। देखिए सुबह उठ के सबसे पहले पक्षियों को दाना डालने आए हुए हैं और काफ़ी कुछ बता भी गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर पेड़ भी लगाए हुए हैं, देखिए ये अब यहाँ से कहीं स्थानांतरित किए जाएंगे, दूसरी जगह पे कहीं लगाए जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ऊपर देखते हैं और क्या क्या है। कई मेरे मित्रों ने बोला है फेस नहीं दिखाते हो, क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के मैं व्लॉगिंग करता हूँ, ठीक है, तो वो सारे जो भी चीज़ें हैं वो सब हो जाएंगी, तो फिर धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि सामने आके करूँगा। लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए मैंने जैसे कि आपको पिछले व्लॉग में बताया था, मैं ये सब फेस फेस दिखाना बाद में करूँगा, क्योंकि अभी कुछ रीज़न से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं इन फ्रंट आके व्लॉगिंग करूँगा। ये गिल्लो रानी घूम रही है, देखिए अभी यहाँ पर एक रास्ता है, वो कहाँ से है मैं देखता हूँ एक बार, ऊपर जाके काफ़ी अच्छे से व्यू दिखेगा आगे का। तो चल रहे हैं इधर हैं, हाँ ये है मोहम्मद कुली खां का मकबरा, ठीक है, तो ऊपर चलते हैं, मोहम्मद कुली खां का मकबरा यहाँ पर है, ये है मोहम्मद कुली खां का मकबरा, शायद इधर ही है। तो अब जाते हैं आगे, अंदर की तरफ जाते हैं, एकदम चारों तरफ से हवादार हवा महल, ऊपर कबूतर भी बैठा है, देखो इन बेचारों का घर ये है, इनके लिए भी परमात्मा ने सब बनाया हुआ है, ये देखो ये घबरा रहे हैं, शायद घबराओ मत कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चारों तरफ से गेट हैं, इसमें मस्त हवा आती होगी एसी की तरह गर्मियों के दिनों में, तो मैं आया भी हूँ पहले, तो काफ़ी अच्छी हवा यहाँ पर आती है, अभी भी देखिए हवा बहुत अच्छी आ रही है चारों तरफ से। तो अभी इधर से सामने की तरफ देखा जाए, सामने कुछ और बना हुआ है, यहाँ पर तो अब रेसिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर क्रिकेट खेली जा रही है, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छा है आज छुट्टी का दिन है तो लोग क्रिकेट खेलने भी आए होंगे। तो बढ़ते हैं आगे, ये कुतुब मीनार आप देख सकते हैं, ठीक कुतुब मीनार के पास में ही ये स्थित है, आप कभी भी आएँ तो कुतुब मीनार आने के बाद यहाँ ज़रूर आएँ, कुतुब मीनार घूमने आते हैं। कुतुब मीनार में इतना कुछ नहीं है जो जमाली कमाली में है, और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर कोई किराया नहीं लगता है, जैसे आप रेगुलर कभी मतलब जिस दिन भी आप वीकली आए हैं बैठे हैं, और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती है, तो शांत जगह है काफ़ी। आगे बढ़ते हैं, अब
फिर मैं कंटिन्यू करूँगा आगे से। अभी इधर मैं सब कुछ दिखा चुका हूँ आपको, तो आगे जाके कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। देखिए वही अंकल डाल के गए हैं यहाँ पर। गिल्लू रानी प्यार से खा रही है, बड़े मज़े से खा रही हैं। गिल्लू रानी को देखो कैसे खा रही हैं, मस्त होके, एकदम मज़ा आ गया। अंकल जी बहुत ही अच्छा काम करते हैं, सुबह सुबह इनको खिलाते पिलाते हैं। ये देखिए मस्त होके खा रही है एकदम। खाओ खाओ खाओ, आराम से खाओ, मज़े से खाओ। हाँ तो अभी बढ़ता हूँ आगे की तरफ और देखता हूँ किस तरफ से जाना है, डिसाइड करता हूँ और आगे कहाँ कहाँ जाना है वो दिखाते हुए चलता हूँ मैं आपको। जैसे बता रहे थे कि राजू की बावड़ी और वो एक और कोई बावड़ी है जिसमें नहाने के बाद बोल रहे थे गंधक का पानी आता है, वो जगह भी हम जाएंगे। तो उससे पहले यहाँ थोड़े नज़ारे हैं जिनको देख लिया जाए। ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी जगह है, घास ही घास है, कहीं भी आके बैठ जाओ। यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे भी होंगे, आप देखेंगे अभी आगे जैसे मैं बढ़ूँगा तो आप लोग देखेंगे कि लोग आए हुए हैं घूमने के लिए और बैठे हुए हैं। हेलो, ये बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। थैंक यू सो मच, कमेंट में अपनी कीमती राय जरूर दें। मिलते हैं पार्ट 2 में, जिंदा रहे तो। थैंक यू।